जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है मेजर माधव एंड वेलकम टू द स्टॉक रेजिमेंट। आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी का मूव एंड कुछ एक स्टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। आज बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही ड्रास्टिक मूव दिया था विथ अ वेरी वेरी ह्यूज गैप डाउन। तो इस गैप डाउन के बाद एक्सपेक्टेशन ऐसी थी दैट द मार्केट विल स्टिल फर्दर गो डाउन, मगर ध्यान देने वाली बात यह है दैट मार्केट बिल्कुल अपने एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल्स पे आके रुकी, विच इज़ 30,400 के आसपास, एंड वहाँ से थोड़ी बहुत बाइंग शुरू हुई एंड मार्केट थोड़ा ऊपर आई। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा दैट ऐसा एक सिनेरियो पहले भी हुआ था एंड थोड़ा दो दिन पहले जाते हैं, वी विल सी अ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ अ मूवमेंट। तो अगर आप देखें तो 12 अप्रैल को सिमिलर सेटअप था, गैप डाउन खुला एंड देर वॉज अ डाउन मूव विच कंटिन्यूड। अब यहां पर डाउन मूव आपका कंटिन्यू इसलिए कर गया था बिकॉज काफी दिनों से मार्केट एक 32,000 के ऊपर ही काम कर रही थी रेगुलरली एंड बहुत ज्यादा बाइंग हो रखी थी इस लेवल्स पे। तो जब पहली बार मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुली और डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हुआ, एक ट्रेंड शुरू हुआ, तो काफी ज्यादा सेलिंग आई एंड ये सेलिंग मार्केट को पूरी तरह से नीचे लेकर गई। बट अगर आप आज का मूव देखेंगे, मार्केट पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी आपका इसी लेवल पर ट्रेड करता था एंड जैसे ही ये गैप डाउन खुला, ज़्यादा स्कोप नहीं था यहाँ सेलिंग का, इसीलिए सेलर्स यहाँ 30,400 के लेवल्स पे रुके एंड बायर्स केम बैक इनटू मोशन। हमारी सीख इससे ये होगी दैट जस्ट लाइक लास्ट टाइम, जैसे आपने देखा था, हमें दो दिन लगे एक अपवर्ड मूव देने में, दैट मीन्स एक दिन पूरा डाउनवर्ड मूव था, दूसरे दिन थोड़े बायर्स वापस आए, तीसरे दिन एक इनडिसाइसिव मार्केट थी जो दोनों तरफ गई एंड उसके बाद बिल्कुल ही साइडवेज। तो इसमें से आप सीख ये सकते हैं दैट जब भी आपको एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक मूव मिलता है तो मार्केट थोड़ा टाइम लेती है सेटल होने के लिए। तो अगर आप देखें, ये पूरा डाउनवर्ड मूव एंड अपवर्ड मूव, डाउन एंड अप एंड देयर आफ्टर जस्ट स्लो डाउन, बिल्कुल धीरे मार्केट साइडवेज गई है। इस फेज में बायर्स एंड सेलर्स सेटल डाउन हो जाते हैं, थोड़ा बाइंग एंड सेलिंग सेटल डाउन होती है। मार्केट का जो ये ड्रास्टिक ट्रेंड मूव हुआ है, डाउनवर्ड ट्रेंड था फिर अपवर्ड ट्रेंड था, ये चीज़ सेटल होती है। अगर हम आज का सिनेरियो देखें तो आज आप देखेंगे ऐसा ही कुछ सिनेरियो था, बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुला, फिर थोड़ी अपवर्ड मूवमेंट दी है मार्केट ने। रीजन कुछ भी हो सकता है, मैं क्योंकि प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ तो मैं आपको इसका लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रीज़न लॉकडाउन हो सकता है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं कोविड के, वगैरह वगैरह, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस, बट रिएक्शन मार्केट का न्यूज़ की वजह से ये रहा है दैट गैप डाउन खुलने के बाद इट इज़ स्टिल सस्टेन्ड एंड कम बैक। तो अगर आपको मिड डे में कहीं न्यूज़ मिली हो कि लॉकडाउन होने वाला है, आप निश्चिंत रहिए कि ये न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, इसीलिए मार्केट गैप डाउन खुला हुआ है। अब कल के लिए हम देखेंगे कल का जो मूव होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव सी मार्केट रही है, तो कल के लिए अगर ये बाइंग कंटिन्यू होती है इसी तरह से, हम ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में मार्केट नहीं जाएगी। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में भी डिस्कस किया है, एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर मार्केट नहीं जाती। अगर यहां से इसी लेवल पे खुल के 31,200 के जिस लेवल्स पे क्लोज हुई है, यहीं से खुल के अगर थोड़ी ऊपर जाती है मार्केट, तो यहाँ से हम थोड़ी सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिन जिन लोगों ने इस लेवल्स पे बाइंग की होगी वो एक अप मूव देखने के बाद अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे एंड मार्केट से बाहर निकलना चाहेंगे। ठीक उसी तरह से अगर मार्केट हमें इस लेवल पे नहीं मिलती है, मान लीजिए यहां से थोड़ा नीचे मिल जाती है, मतलब कहीं इस लेवल पे 30,700 30,800 के लेवल पे, तो जो लोग ऊपर बाई करके बैठे ये लोग पैनिक करेंगे एंड मार्केट दोबारा नीचे जाएगी। तो मैं अगर ओवरऑल सेंटिमेंट की बात करूं, मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है, अभी तक मुझे कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट दिख नहीं रहा है मार्केट में जो बिल्कुल ही आपको बहुत अच्छा एक अपवर्ड मूव दे या बिल्कुल ही बुल रन दे दे आपको और मार्केट ऊपर ऊपर निकल जाए, बट देर इज अ वेरी स्ट्रांग नेगेटिव सेंटिमेंट। तो अगर आप देखें, हम इसको थोड़ा डेली चार्ट्स पे भी देखते हैं, क्योंकि डेली चार्ट्स पे अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो ये बिल्कुल अपने एक सपोर्ट लेवल्स पे आके खड़ा हो गया। तो आप देखिए
ये उसी लेवल पे आया है जहां पर पिछली बार इसने एक अपरन अप मूव दिया था पूरा का पूरा, जब ये बजट की बात है जहां पर मार्केट ऊपर मूव कर गया था, अब दोबारा आके वहीं पर खड़ा है। अगर यहां से ब्रेक डाउन करता है तो मैं आपको कहूंगा कि ये जो नेगेटिव बेयर रन है ये कंटिन्यू कर जाएगा, मार्केट और नीचे जा सकती है, हम और लो लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खैर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हम इसको वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं थोड़ा निफ्टी पर। तो निफ्टी पर अगर मैं निफ्टी का आज का चार्ट देखूं, काफ़ी सिमिलर मूव रहा था, बट बैंक निफ्टी के मुकाबले मैं बोलूँगा थोड़ा और सस्टेन्ड मूव था ये, क्योंकि मार्केट नीचे आई एंड तुरंत थोड़ा अप मूव देने लग गई, एंड क्लोजिंग इसकी ऑल दो गैप डाउन जितना था उसको कवर नहीं कर पाई, उसके आसपास ही क्लोज हुई है। कल अगर मार्केट ज़्यादा ऊपर खुल जाती है, मान लीजिए एक 100 100 पॉइंट 120 पॉइंट के आसपास ऊपर खुल जाती है, तो कहीं इस लेवल्स पे खुलती है तो होगा क्या, ये जितने बायर्स यहाँ पर अपनी पोजीशन बना के बैठे हैं उनको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, एंड यहाँ से भी मैं प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि एक नेगेटिव सेंटिमेंट है मार्केट में, तो 100 150 पॉइंट पे ही मैं प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट में बिकॉज ऑफ द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट। अब अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर वही बात है, ये जितने यहाँ पर बायर्स हैं वो सब सेलिंग शुरू कर देंगे एंड मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। ये जो मैंने लेवल आपके लिए मार्क कर रखा है अपनी स्क्रीन पर, जो कि आप देख सकते हैं 14,240, ये आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाला था, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर आप 12 अप्रैल को देखें मार्केट यहीं से बाउंस बैक कर गई थी, अगर आप आज देखें इसी लेवल्स के आसपास आई, थोड़ा नीचे आई, देन इट बाउंस बैक एट सेम लेवल्स। अब ये लेवल अगर मैं आपको थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में दिखाऊं, एक ब्रॉडर पिक्चर दिखाऊं आपको, तो आप देखेंगे दैट ये ठीक वही लेवल है जहां आपका गैप खत्म हो रहा है ऑफ द बजट कैंडल्स, जो आपकी 1 एंड 2 अप्रैल पे बनी थी, उन बजट कैंडल्स का गैप है ये, एंड एग्जैक्टली मार्केट अभी उस सपोर्ट पे बैठा हुआ है। यहां से अगर ब्रेकआउट करता है मार्केट तो मैं 13,500 के लेवल्स, 13,000 तोड़ के नीचे आ सकता है, ऑलमोस्ट 13,500 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, क्योंकि काफी नेगेटिव सेंटिमेंट है मार्केट में। बट मैं आपको अभी भी बोलूंगा कि हम मार्केट देखकर ही ट्रेड लेंगे, हम प्रेडिक्ट नहीं करेंगे मार्केट को। अगर आप प्रेडिक्ट नहीं करते हैं तो यू कैन बी अ वेरी वेरी गुड ट्रेडर। लूज आउट वो लोग कर जाते हैं, लॉसेस वो लोग खाते हैं जो मार्केट प्रेडिक्ट करके बैठते हैं और कहते हैं कि कल तो मार्केट इसी तरफ जाएगी। तो जो हमारा एनालिसिस है वो दोनों तरफ का एनालिसिस है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, ये समझना जरूरी है कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है, तो उसका रीजन क्या है पीछे, किस वजह से वैसे मूव कर रही है, एंड जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे ऐसे मूव को देख के, एंड ये हमें एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दे देता है अगले दिन का ट्रेड लेने के लिए या लाइव मार्केट में अपना ट्रेड डिसाइड करने के लिए। चलिए कल के लिए तो मैं थोड़ा कूल ऑफ एक्सपेक्ट करूंगा, एंड क्योंकि अगर कल कूल ऑफ होता है, अगर बिल्कुल फ्लैट मार्केट खुल जाती है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा थोड़ा कूल ऑफ कर जाए, बिकॉज इतना ड्रास्टिक मूव करा है तो जैसे पहले देखा था हमने वैसे ही कल कूल ऑफ मिल सकता है हमें। ध्यान से ट्रेड करें प्लीज, जल्दबाजी में ना करें, कल बहुत ही एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाकर फिर ट्रेड में घुसें, एंड बी वेरी केयरफुल बिकॉज मार्केट इज वेरी इनडिसाइसिव राइट नाउ, आपको बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव मूव्स दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ एक स्टॉक्स पे। पहला स्टॉक हमारा आज के लिए डॉक्टर रेड्डी, तो लेट्स लुक एट डॉक्टर रेड्डी ऑन अ डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे अगर मैं देखूं तो मैंने आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया लेवल्स मार्क करे हुए हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। तो डॉक्टर रेड्डी पिछले सितंबर से, इफ आई रिमेम्बर, सितंबर अक्टूबर से एकदम साइडवेज मूव दे रहा है आपको। मैं आपको थोड़ा और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिखाता हूँ, तो इसका मूवमेंट जो देखेंगे आप, इट इज जस्ट बिटवीन 4,200 to 5,200, मतलब पिछले 6 महीनों में ये इतना ही मूव करा है। इससे पहले बहुत बढ़िया मूव्स थे डॉक्टर रेड्डी के, तो समवेयर अराउंड 2,000 2,800 के लेवल से लेकर ये 4,000 के लेवल्स पे आया था, एंड काफ़ी कंसोलिडेशन हुई, काफ़ी बाइंग एंड सेलिंग हुई बीच में, एंड प्राइस काफ़ी मूव करता रहा। अब फाइनली डॉक्टर रेड्डी इज कम बैक एंड एक बहुत अच्छा यहाँ से स्विंग लेता हुआ अब अपवर्ड मूव दे रहा है। देखिए इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, बट अगर मैं प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, मैं
ये अज्यूम करूंगा कि दैट अब ये अपने अगले रेजिस्टेंस को टेस्ट कर कर ही वापस नीचे आएगा। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि आने वाले कुछ दिनों में ये 5200 को टेस्ट करके नीचे आए, या अगर इसको ब्रेकआउट करता है तब भी इसको दोबारा नीचे आकर ब्रेकआउट के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। सो दैट इज हाउ द प्राइस वर्क्स। अगर हम इसको एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखें, लार्जर पर्सपेक्टिव में, तो देखिए फार्मा जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री, पूरी सेक्टर है, दैट इज कमिंग बैक इनटू एक्शन बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस। आपको पता है बाहर एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, कितनी बुरी हालत हो रखी है कई सारे स्टेट्स में, एंड लॉकडाउन वगैरह इंप्लीमेंट हो रहे हैं। दी मेडिकल इंडस्ट्री इज कमिंग बैक इनटू एक्शन बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, बिकॉज कंज्यूमेबल ज्यादा हो रहे हैं, दी नंबर ऑफ केसेज आर गोइंग अप। तो इन सब चीजों को देखकर दी फार्मा इंडस्ट्री इज एक्चुअली कम बैक इनटू एक्शन। अब ये जो इसका सस्टेन्ड मूव है डॉक्टर रेड्डीज का इतने कुछ दिनों में, पिछले कुछ दिनों में, ये सीधा ऐसे ही कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा ये हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन सी स्मॉल रेड कैंडल्स इन बिटवीन। तो आपको ये जो रेड कैंडल्स दिख रही हैं दे आर स्मॉल सेलिंग्स दैट हैव बीन हैपनिंग बीच बीच में। तो ये जो पूरा मूव है ये थोड़ा सस्टेन्ड मूव लग रहा है, इट इज़ अ रिलायबल मूव, इट इज़ नॉट अ मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से जो बायर्स आ रहे हैं दे आर वेरी पॉजिटिव, क्योंकि बाइंग आप देखिए 4200 के लेवल्स पे शुरू हुई है एंड ऊपर जा रही है। तो अगर मैं बात करूं, अगर आप इसको कैश में लेकर बैठे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, अभी भी अच्छा लेवल है, 5200, 5250 के आसपास के टारगेट्स आप देख सकते हैं इन द कमिंग टाइम्स। अगर आप एक ऑप्शंस बायर हैं एंड आपने इसकी कॉल ले रखी है, तो इन दैट केस आई वुड से दैट ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई हैं इसने 12th एंड 13th अप्रैल को, यहाँ पर आपको अच्छा खासा एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल गया होगा, एंड यू कुड हैव बुक्ड योर प्रॉफिट्स। बट अगर आप इसके बाद एक कॉल साइड पर अपनी पोजीशन बना के बैठे हैं, ये रेड कैंडल से मेरे को ये पता चल रहा है कि ऑन 13th अप्रैल अगर आपने कॉल ले रखी थी 5000, 5200 की, तो काफ़ी डीके करी होगी, बिकॉज ये बहुत बड़ा मूव डाउनवर्ड आया है इन अ सिंगल डे। तो यहाँ से अगर आपका सस्टेन्ड मूव रहता है एंड इफ यू कैन सी सम हैवी कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स बनते हुए यहाँ पर, देन यू वुड बी एबल टू रिकवर फ्रॉम द कॉल्स दैट हैव बीन बॉट। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट दैट अगर आपने कॉल्स ले रखी हैं तो दैट यू शुड बी एबल टू एग्जिट ऑन कॉस्ट टू कॉस्ट, वेट करके देख सकते हैं, बट प्लीज आपका कॉल कंप्लीटली वुड बी योर्स, दैट इज अगर आपने जो भी डिसीजन लेना है इस पे, बाइंग या सेलिंग पर, वेट करने पर, इट इज कंप्लीटली योर्स। प्लीज टेक अ साउंड डिसीजन ऑन दी रिस्क एपेटाइट दैट यू हैव, आपका जितना रिस्क एपेटाइट है उस हिसाब से लें। एंड मेरी एक सजेशन भी है, जितने मेरे स्टूडेंट्स भी आते हैं उनको भी, दैट आप कमोडिटी सॉरी इक्विटी में कभी भी ऑप्शंस अगर नहीं ले सकते, अगर आप इतना रिस्क नहीं ले सकते, यू कैन आइडियली गो फॉर द स्टॉक इटसेल्फ। तो अगर आपने डॉक्टर रेड्डी का कॉल ले रखा है, लेट्स से 5000 का कॉल आपने लिया था एंड ऑफ मार्च में, एंड आपको अभी तक उसमें इवन इफ अगर आपने 500 लॉट भी ले रखा, 500 क्वांटिटी का भी लॉट ले रखा है या 600 का ले रखा है, तो तकरीबन आपके 50-60 हज़ार रुपये लग गए होंगे इसमें। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसका स्टॉक ही उठा लेते 50-60 हज़ार रुपये का एट दीज लेवल्स, एट 4000, 4500 लेवल्स, अभी तक आपको ये आराम से 5 to 6 थाउजेंड का प्रॉफिट दे चुका होता। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे आपको कॉल उठाना चाहिए, कहाँ पर आपको इक्विटी डायरेक्टली कैश में लेनी चाहिए, क्योंकि कॉल्स वगैरह लेने का फायदा तब होता है जब आपको एक शार्प मूव मिले एंड आप उस शार्प मूव को कैपिटलाइज कर पाए। तो अगर किसी ने 9th अप्रैल को इसके कॉल ली होती, तो आई थिंक 12th एंड 13th अप्रैल को अपनी कॉल बुक करके इनके प्रॉफिट्स डबल हो चुके होते। बट अगर एक स्लो एंड स्टेडी मूव मिल रहा है, तो कॉल्स में सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपका जो टाइम डीके होता है, जो थीटा होता है, वो आपके एंटायर प्रीमियम को धीरे धीरे खा जाता है। तो ये था मेरा पूरा एनालिसिस फॉर डॉक्टर रेड्डीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने प्रॉमिस किया था कि हम अदानी एंटरप्राइजेस एंड अदानी ग्रीन्स भी देखेंगे, तो लेट्स गो टू अदानी एंटरप्राइजेस। सो अदानी एंटरप्राइजेस एक बहुत बढ़िया मूव देते हुए ऊपर आया है, फ्रॉम लास्ट ईयर आई वुड सजेस्ट दैट यू नो इट इज ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो चुका है अपनी वैल्यूज में। देखिए ध्यान देने वाली बात यह है दैट एक स्विंग ये बना चुका है यहाँ पर, यहाँ से स्टॉक नीचे आया है, तो अगर ये यहाँ से बाउंस कर कर नीचे जाकर
एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, देन मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ये दोबारा अपने 1250 के लेवल्स को रीटेस्ट करेगा। अगर यहाँ से ये दोबारा नीचे जाना शुरू करता है तो देन दी एक्सपेक्टेशन इज दैट यहाँ से शायद एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाए स्टॉक का। तो इसको थोड़ा हम वेट एंड वॉच करेंगे। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में मुझे ये लगता है दैट अदानी एंटरप्राइजेस इज वेरी पॉजिटिव, काफी पॉजिटिव स्टॉक है, अभी भी बाइंग के लिए अच्छा है। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी मैं एक यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ देख रहा हूँ, एंड यहाँ से अगर ये दोबारा 1250 1230 लेवल्स को तोड़ता है तो और एक अच्छा स्ट्रांग अप मूव देखने को मिल सकता है। चलिए चलते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी पे। अदानी ग्रीन एनर्जी अगर आप देखें तो इट इज चार्ट हमें ये दिखा रहा है दैट इट इज जस्ट दी बिगिनिंग ऑफ अ नेगेटिव ट्रेंड, इट इज जस्ट अबाउट स्टार्टेड। तो अभी मैं इसको बाइंग के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा। बाइंग के लिए मैं इस स्टॉक को तब देखूंगा जब ये अपना एक लोअर स्विंग बना के दोबारा ऊपर आना शुरू हो जाए, क्योंकि फिलहाल तो ये नीचे जाना शुरू कर चुका है। तो इट इज़ अ वेट एंड वॉच फॉर मी इन लॉन्ग टर्म। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अभी भी कल एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर ये अपने करंट लेवल्स दैट मीन्स 1050 के लेवल्स को तोड़ता है तो हम इसको दोबारा कल सेलिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं इन इंट्राडे। एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में मैं अभी इसको बाइंग के लिए नहीं देखूंगा। लॉजिक इसके पीछे ये है, देखिए ये स्टॉक अगर आप इसको देखें जुलाई या पिछले अगस्त के आसपास से, देखिए 300 के लेवल से ये स्टॉक 1200 के लेवल्स पर आया है। आपने अगर यहां पर कहीं इन्वेस्ट किया होता तो आपका पैसा 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो चुका है। तो मोस्ट ऑफ दी प्रॉफिट बुकिंग बिगैन हियर एंड हियर, तो लोगों ने अपने प्रॉफिट बुक किए हैं एंड लोग बाहर निकल रहे हैं। एंड सबसे बड़ा ध्यान देने वाला पॉइंट ये है दैट मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट चल रहा है, एंड इस नेगेटिव सेंटिमेंट के रहते भी काफी सारे इन्वेस्टर्स भी अपने फंड्स बुक कर कर प्रॉफिट बुक कर कर बाहर निकल रहे हैं इससे पहले कि मार्केट गिर जाए, दे वॉन्ट टू बुक देयर प्रॉफिट्स। तो इस सेंटिमेंट को समझिए, अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हम डिप्स पे खरीदेंगे, थोड़ा और वेट करेंगे, मार्केट और थोड़ी नीचे जा सकती है यही सोच के बैठे हैं, तो अगर नीचे जाती है तो हम उसको उस लोअर लेवल्स पे खरीदने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर देखें तो यहाँ पर एक नेगेटिव ट्रेंड दोबारा शुरू हो गया है। पिछली बार रिलायंस इंडस्ट्रीज में मैंने ये नेगेटिव ट्रेंड समवेयर अराउंड यहाँ पर देखा था, तो दैट इज अक्टूबर के आसपास, एंड मार्केट वहाँ से काफ़ी नीचे आई थी, 2300 के लेवल से लेकर 1800 के लेवल्स तक आया था ये स्टॉक। तो कुछ ऐसा ही नेगेटिव ट्रेंड, नेगेटिव क्रॉसओवर मैंने यहाँ पर अभी देखा है एंड इट इज जस्ट हैपेंड। तो यहाँ से अगर स्टॉक ये ब्रेकआउट करता है नीचे जाता है तो 1800 एक इसका बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट रहा है इन द पास्ट। तो अगर आप देखेंगे 1800 के लेवल से ये बाउंस बैक कर रहा है, अगर ये 1800 के लेवल्स को तोड़ता है तो नेक्स्ट राउंड लेवल इसका 1700 है, वहां पर एक और मुझे सपोर्ट नजर आ रहा है। सो इन अ वेरी वेरी शॉर्ट टर्म मार्केट, मतलब कल परसों में अगर मैं बात करूं तो अभी भी ये सेलिंग साइड पे स्ट्रांग लग रहा है बिकॉज द मार्केट इज गोइंग डाउन, द स्टॉक इज ऑल्सो गोइंग डाउन। 1900 का एक सपोर्ट बन रहा है जिसको अगर वो तोड़ता है तो नीचे जा सकता है। कल अगर 1900 के नीचे जाता है तो आई वुड एक्सपेक्ट कि ये अराउंड 1860 के लेवल्स पे आएगा, 1860 1880s, जहाँ पर इसका एक हल्का सा सपोर्ट बनता है। इन लॉन्ग टर्म अभी भी मैं रिलायंस को आपको खरीदने की सलाह नहीं दूंगा, बट लेट्स वेट फॉर इट टू कम डाउन और थोड़ा नीचे और अच्छे लेवल्स पे, अच्छे प्राइजेस पे हमें ये मिल सकता है, एंड उस लेवल्स एंड उस प्राइजेस पे हम इस स्टॉक को खरीद कर चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। एंड ऑल्सो अगर आपको एनालिसिस पसंद आया प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंड प्लीज अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, कोई स्टॉक एनालिसिस आप चाहते हैं, प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, आई वुड लव टू डू एन एनालिसिस ऑन दो स्टॉक्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, जय हिंद, थैंक यू।